तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और जैसा कि मैंने आपको जस्ट कस 4 की लास्ट एपिसोड में बताया था कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माफिया 3 की सीरीज, तो स्टार्ट करते हैं न्यू गेम को। और काफ़ी ज़बरदस्त ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम है माफिया 3, और ये मतलब कि ना ओल्ड बेस्ड है, मतलब कि पुराने दौरों की बनी हुई है ये गेम। तो काफ़ी अच्छी गेम है ये, मतलब कि ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन यार जो मैं कहता हूँ कि जस्ट कस 4 के लेवल के नहीं है ग्राफिक्स इसके। ये 2016 में आई थी, मतलब कि 2016 में आई थी ये, तो यहाँ से इजी खेलते हैं। और एम असिस्ट को भी ऑफ कर लेते हैं, बिकॉज मैं कोई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं हूँ, ऐसे ही गुंडे जो है अपन को ना ठोक डालें। तो फर्स्ट मिशन इसका मैंने पहले किया हुआ है, तो फर्स्ट मिशन ना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की 5 की तरह भी ना, ये जो है ना इसमें मतलब कि फर्स्ट मिशन में बैंक में चोरी करते हैं इसके फर्स्ट मिशन में भी। तो ओल्ड मतलब कि ना पुराने ज़मानों पे बेस्ड है ये गेम। माफिया 3 इज़ अ प्लेस ऑफ अमेरिकन साउथ अमेरिका 1968। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये पुराने दोनों पे ना बेस्ड है ये गेम, तो ये स्टार्ट हो चुकी है। आप पढ़ें, मैं अपनी बक बक थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से स्किप करेंगे इसे, और ये फरवरी 1968 आ चुका है, और देखते हैं कि अभी क्या करना है हमने। यहाँ से इसको भी स्किप करेंगे, और वाई टेक द चांस, फर्स्ट मिशन हमारा, तो कीज़ को पिकअप करना है हमने। तो ये बंदे की बॉडी काफ़ी ज़बरदस्त है हमारे, मतलब कि डोलो शोलो अच्छे बनाए हुए हैं इसने, एकदम सल्लू भाई बना हुआ है। यहाँ से चलते हैं, उस साले को ठोकें या ना ठोकें, इस साले को ठोक डालेंगे रे अपन। ये ठोक डाला सीधा इसके सीने में, गोली दे मारी है हमने। यहाँ से कीज़ को पिकअप करते हैं और चलते हैं आर्मोर ट्रक में। तो दूसरी गोली इसकी खोपड़ी में, बेवजह आते सारी ने गेम स्टार्ट करते साथ ही हमने एक बंदे को ठोक दी है। और ये जॉर्जी है, ये जो बंदा है ना हमारे साथ, ये इसका फ्रेंड है, मतलब कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड है ये। तो ड्राइव टू द फेडरल रिजर्व, तो चलते हैं फेडरल रिजर्व की तरफ और ड्राइव करके लेके जाते हैं ट्रक को उधर। अब तो खैर माफिया 4 भी आने वाली है, मतलब कि माफिया 1 को ना रीमास्टर्ड करके ना उसकी ग्राफिक वगैरह अच्छे करके दोबारा से रिलीज़ करने लगे हैं उसे। यहाँ से मैंने गेम की स्पीड को फास्ट कर दिया ताकि जल्दी जल्दी जो है ना हम अपने मिशन की लोकेशन पे पहुँच सकें। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने मिशन की लोकेशन पे। अब ये क्या, हाँ तो पहुँच चुके हैं हम। तो ये कह रहे लोडिंग स्टॉक, शायद इस ट्रक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, इन पैसों को जो है ना हमने मतलब के इधर बैंक के अंदर लेके जाने, और फिर जब हम उस पैसों को रखने जाएंगे ना तो पूरी तिजोरी लूट लेंगे। तो जो दो बंदे इन्होंने किडनैप किए हुए थे ना, वो मुझे लगता है कि ये जो जेन्युइन इनके गार्ड्स थे ना असली, उनको इन्होंने किडनैप करके ठोक दिया और ख़ुद उनकी जगह लेकर ना यहाँ पे आए हुए हैं ये दोनों, जॉर्जी और हमारा प्रोटैगनिस्ट। एंट्रेंस रास्ता ढूंढने हमने इस बैंक के अंदर जाने का रास्ता।
एंट्रेंस रास्ता मिल चुका है हमें, और चलते हैं अब इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऑफिसर, वो कर चुका है इन्वेस्टिगेशन ये। तो मनी को पिकअप करने हमने वहां से। अबे ये क्या, अच्छा पीछे से ना दो ट्रक से मनी को पिकअप करके लाना है हमने। ऐसे ही पहले ही हम आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ से मनी को पिकअप कर लिया, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट मतलब क्या ना डेस्टिनेशन की तरफ, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो गॉड को फॉलो करना है हमने, गॉड को। उन्होंने अपनी गन्स वगैरह इधर जमा करवा दी हैं। और अब हम फॉलो कर रहे हैं इस गार्ड को, और देखते हैं कि ये साला हमको किधर लेके जाते हैं। तो हम आ चुके हैं नीचे बेसमेंट में, जहाँ पे पैसे वगैरह रखे जाते हैं। तो डोर भी हो चुका है अपन, इस गार्ड ने सामने वो जो आपके गार्ड नजर आ रहा होगा उसके इशारा किया कि इस गेट को ओपन कर दो, ये पैसे वगैरह रखने के लिए आए हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता अपन पैसे रखने तो नहीं आए, उल्टा इनके पैसा अपन लूटने के लिए आए। तो ये हम आ चुके हैं अंदर, और देखते हैं कि अभी क्या करना है। यहाँ पे मनी को हमने रखना है इधर, ये पैसों को रख दिया हमने इधर, और देखते हैं क्या। प्लेस द मनी ऑन द टेबल, हमने मनी को रख दिया टेबल पे। टेक आउट द बर्नर गार्ड, तो इस गार्ड को हमने ना ये जो बर्नर सा लगा हुआ है ये हमने इसको इस आग के अंदर डाल दिया, और एकदम जला डाला इस गार्ड को हमने। और अभी एक और गार्ड मौजूद है इधर, देखते हैं क्या करना है उसके साथ हमने। वैसे इसको पिकअप, इसकी और ये क्या, इसकी बॉडी को उठा लिया हमने, इसको नीचे ही फेंकेंगे हम। तो डील विद द गार्ड, गार्ड से डील करनी है हमने। ये हमने इसको भी झपट लिया इस गार्ड को। और इसका भी ये ठोक डाला रहे अपन ने। तो यहां से भी ये तिजोरी लूट रहे हैं। यहां से मैंने गेम की स्पीड को फास्ट कर दिया ताकि जो जल्दी जल्दी मतलब कि ना अपना स्टेप अंजाम दे सके। तो अब जो है हमने जॉर्जी को डिफेंड करना है, तो यहाँ से ठोकेंगे हम ये मतलब कि ना आएंगे वहां से गार्ड्स वगैरह, तो उनको ठोकना है हमने। तो ये इसको ठोकते जाएंगे, बस यहाँ पे जितने भी गार्ड्स आएंगे उनको ठोकते जाएंगे हम सीधा खोपड़ी में, एक गोली मारनी है हमने ये। पिकअप करते हैं इसे अपन को, और ठोकते हैं अपन सालों को। ये ठोक डाला रे साले को भी अपन।
ये ठोक डाला है। लेट्स गो। अच्छा अभी हमने जाना है, पहले तो इस सारे को ठिकाने लगा देना, अभी डिफेंड द जॉर्जी। तो अब हमने जाना है स्टोर की तरफ। ओपन द आर्मरी गेट। इस लॉक को ओपन करना है हमने, तो जिस साइड पे ये बार ग्रीन होगी ना उस साइड पे हमने क्लिक कर देना है। ये हमने ओपन कर लिया इसका। ग्रैब द हर्ट मैन मशीन गन। ये मशीन गन लेनी है हमने यहाँ से, तो हमने पिकअप कर लिया इस मशीन गन को। तो रीग्रुप विद जॉर्जी। अब बस इन्हें जॉर्जी के पास, और अब यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स आएंगे और उनको जो है ना हम उनकी अम्मा याद दिला देंगे। ये तो स्मोक ग्रेनेड्स फेंके हैं इन्होंने। अबे ये क्या, एकदम अंधेरा छा गया। तो ये जॉन मार्जी, असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिमिनल एंटरप्राइज ब्रांच। तो ये फेडरल ब्यूरो मतलब स्पेशल एजेंसीज का ना कोई है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो ये कुछ मेरे ख्याल से किसी को स्टोरी सुना रहा है ऐसी की, हमारे जो मतलब ये प्रोटैगनिस्ट है ना जो माफिया थ्री की सारी स्टोरी सुना रहा है ऐसे की, सारा बता रहे हैं इस बंदे के बारे में। क्ले क्ले नाम है हमारे बंदे का। तो यहाँ से भी हमने एक जगह पर ड्राइव करके गाड़ी को लेकर जाना है, और फाइनली यहाँ से काफ़ी दूर आना था हमने, फाइनली ड्राइव करके हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। और चलते हैं बंदर यहाँ से, देखते हैं कि क्या करना है हमने। तो टॉक सैमी से टॉक करनी है हमने, चल के ये बैठा हुआ सैमी। अच्छा मैंने गेम की स्पीड को फास्ट कर दी है ताकि जल्दी जल्दी जो है ना इनके दरमियान कन्वर्सेशन ख़त्म हो, काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन थी। फाइनली कन्वर्सेशन हो चुकी है ख़त्म, और अब हमने जाके अ टेस्ट ऑफ द एक्शन, अब हमने चल के थोड़ा सा आराम कर लें, काफ़ी गेम खेल चुके हैं हम भी। तो यहाँ से चल के सोते हैं, सो जाएगा अभी ये। फाइनली सोकर उठ चुके हैं हम। अरे अ टेस्ट ऑफ द बेड, टॉक टू सैमी एंड इल्स। तो चलते हैं सैमी के पास। यहाँ से मैंने गेम की स्पीड को फास्ट कर दिया ताकि जल्दी जल्दी इनकी जो है ना कन्वर्सेशन ख़त्म हो, और हम देखें कि आगे क्या करना है हमने। तो ये फादर है, ये सैमी है, और दूसरा एक और कलवा नहीं आया था उसको, वो फादर है। तो अब हमने गो डाउन ऑन देयर ओन, तो चलते हैं अंदर। तो फॉलो द फादर जेम्स। तो ये फादर जेम्स है, ये भी अभी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और ये भी स्टोरी सुनाएगा माफिया के आगे आने वाले मिशंस में, ये भी किसी को सुना रहा होगा स्टोरी। तो ऑब्जर्व द कम्बो। तो यहाँ से इसको ना
हमने ये फूड सर्व करना है हमें। अब इसकी बारी है। अच्छा ये गरीब लोग, मेरे ख्याल से ये जो गरीब लोग नहीं होते उनको फूड वगैरह सर्व करते हैं फ्री में। तो अपन आज तो फूड सर्व कर रहे हैं, काफी नेक काम कर रहे हैं अपन। तो यहाँ के कुकिंग सेशन इसने स्टार्ट किया और मुझे लगता है ये होटल के बाहर कुछ बंदे आए हैं और एक गुंडे हैं कोई। ने ये देखें फायरिंग भी शुरू कर दिया, किल द एटेनियंस, चलते हैं। और ये अपन ने फेंका खाना उनके ऊपर और अब ठोकेंगे रे अपन इनको। ये दे मारा सर, और अब इन सालों की बारी है, इनको ठोक के रख देंगे अपन। ये देखो छाल एकदम रेसलर की तरह, रोमन रेंज की तरह फेंका इसने से, और ये इसका सर फोड़ डाला अपन ने। और गया साला इधर, ये क्या, ये क्या चीज है, डायमंड है क्या चीज है। चलो जो भी है खैर, तो फाइनली हमारा फर्स्ट मिशन भी हो चुका है पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और मजीद ऐसी वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में बताएं इस चैनल पर कौन सा गेम प्ले देखना चाहते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड बाय बाय।